राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे श्री शिवाय नमस्तों ओम नमः शिवाय आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ बुद्ध प्रदोष व्रत कथा जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है और इस दिन प्रदोष के दिन भगवान शंकर का व्रत रखा जाता है प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ही शाम के समय में प्रदोष काल के समय में साढ़े पांच से साढ़े सात के बीच में यह शुभ मुहूर्त होता है भगवान शंकर की पूजा करने की अभिषेक करने की कथा सुनने की और आरती करके प्रसाद लेकर के शिवालय से अपने घर को आने का सबसे शुभ मुहूर्त यही होता है भगवान शिव की आराधना करने का जो कोई भी प्रदोष व्रत को धारण करते हैं उन्हें शिवालय में जा कर के जो कि आपके घर के आसपास कोई भी शिवालय हो तो उस शिवालय में जा कर के प्रदोष काल में भगवान शंकर का जल अभिषेक करके धूप दीप नैवेद्य भोग लगा करके फूल माला चढ़ा करके कथा को सुनना चाहिए उसके बाद आरती करनी चाहिए भगवान शंकर से क्षमा प्रार्थना करके भोले बाबा से अपने दिल की बात कह करके शिवालय से अपने घर आना चाहिए अपने हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें और कथा का रसपान करें आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ बुद्ध प्रदोष व्रत कथा अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ अपने हाथ में पुष्प और अक्षत अवश्य ले लें एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया वहां पर कुछ दिन रहने के बाद में उसने अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है आज के दिन गमन नहीं करते हैं वह व्यक्ति नहीं माना और हट कर बैठा कि बुधवार के ही दिन अपनी पत्नी को विदा करके मैं ले जाऊंगा अंत में उसकी पत्नी की विदा कर दी गई और वह नगर को चल पड़ा राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसके ही जैसी सूरत वाला वा उसकी जैसी ही वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसके पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है उसको अत्यंत क्रोध आया और उसने कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट कैसे बैठा है दूसरा व्यक्ति बोला यह मेरी पत्नी है मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे तभी राज के सिपाही आए और जो व्यक्ति लोटा लेकर जल लेने गया था उस व्यक्ति को पकड़ लिया और कहा कि चलो अब इसको नगर में राजा के समक्ष ले चलते हैं साथ ही स्त्री से भी पूछा गया कि तुम बताओ तुम्हारा असली पति कौन है अब पत्नी भी चुप हो गई क्योंकि दोनों ही व्यक्ति एक जैसे थे वह किसी प्रकार अपने पति को नहीं पहचान सकी तब वह पत्नी वह स्त्री भगवान को बुधवार भगवान को याद करने लगी गणेश भगवान को याद करने लगी वह व्यक्ति भी ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और बोला हे परमेश्वर यह कैसी लीला है सच्चा झूठा कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं, करना था। किसी की बात नहीं मानी यह सब लीला बुद्ध देव भगवान की है उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना करी और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी तब बुद्ध देव जी अंतर ध्यान हो गए और वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता तथा सुनता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है उसको सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है भगवान बुद्ध की जय हो भगवान गणेश की जय हो भोले बाबा की जय हो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बुधवार व्रत किसे रखना चाहिए और इस व्रत का क्या प्रभाव होता है बुधवार का व्रत ग्रह शांति तथा सब सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए विशेष करके ग्रह की शांति के लिए यह व्रत किया जाता है बुधवार का व्रत भगवान को समर्पित होता है साथ में भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है इस दिन नवजात शिशु के हाथों से करवाए गए कृत्य से समस्त मनोकामनाएं फलवती होती है पूजा का विधि विधान यह होता है की इस व्रत में रात दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ होता है व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए भगवान गणेश को दुर्बा चढ़ाना चाहिए और साथ ही बुधवार की कथा को सुनकर आरती के बाद प्रसाद देकर जाना चाहिए बीच में ही नहीं चले जाना चाहिए इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए हर हर महादेव माता पार्वती की जय हो गणेश जय बहुत लोग एकादशी का व्रत करते हैं और बहुत लोग प्रदोष का व्रत करते हैं प्रदोष का व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है और एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है प्रदोष व्रत भी महीने में दो बार आता है एक शुक्ल पक्ष में एक कृष्ण पक्ष में जो भगवान शंकर के अनन्य भक्त होते हैं जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं उन पर विश्वास करते हैं उन्हीं को भजते हैं उन्हीं को पूछते हैं वह प्रदोष व्रत करते हैं जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं भगवान शंकर तो अवधर दानी है वो तो विचार ही नहीं करते हैं कि इसके भाग्य में ये चीज है या नहीं है यदि प्रसन तो वो प्रसन्न हो गए तो वह सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं तुलसीदास जी लिखते हैं विनय पत्रिका में कि वह ब्रह्मा जी कहते हैं जाकर के विष्णु भगवान से कि बताइए जो मैंने भाग्य में नहीं लिखा है यदि मैंने किसी व्यक्ति के भाग्य में घर नहीं लिखा है तो भोले बाबा उसको महल दे देते हैं रहने के लिए मैंने किसी के भाग्य में यदि पुत्र या कोई पुत्री संतान नहीं दी है लेकिन भगवान शंकर की आराधना करके वह व्यक्ति ये भी प्राप्त कर लेता है संतान की प्राप्ति कर लेता है यह ऐसे औठरदानी है ब्रह्मा जी पूछते हैं भगवान विष्णु से जाकर के कि बताइए मेरा लिखा हुआ ही कट जाता है। भगवान विष्णु सुनते हैं और मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं उनका नाम ही है भोले भंडारी वह तो भोले है ही है उनको मैं कुछ नहीं कहूंगा उनसे मैं किसी तरह की कोई बात नहीं कहूंगा कि ब्रह्मा जी ने उसके भाग में नहीं लिखा है तो आप उसे क्यों दे रहे हैं इस तरह का कोई प्रश्न मैं भोले बाबा से नहीं करूंगा क्योंकि भोले बाबा मुझे भी बहुत प्रिय हैं यानी भगवान विष्णु को भी भगवान शंकर बहुत प्रिय हैं वो जो भी करते हैं भगवान विष्णु खुश रहते हैं कि वो उन्हें बहुत मानते हैं इस तरह से वह एक दिव्य धाम की बात है कि वहाँ दिव्य धाम ब्रह्मलोक जो भी कहें जहाँ भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना करते हैं और दोनों एक दूसरे के इस तरह से परस्पर प्रेम पूर्वक भाव रखते हैं एक दूसरे के प्रति। ब्रह्मा जी को थोड़ा जरूर परेशानी होने लगती है कि मैं जिसको को भाग्य में भी नहीं लिखा हूं वह व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है भगवान शंकर की पूजा करके प्रदोष व्रत करने से इन चीजों की ही प्राप्ति होती है जब धर्म राज राज्युत होकर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए थे तब उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों को लेकर जो प्रश्न किया था उस कथा को आप सुनिए युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान में संकटों से मुक्त हो सकें हम लोगों को आगे किसी प्रकार का कष्ट न भोगना पड़े कृपया ऐसा उपाय बताएं जी कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने कष्टों के समाधान का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन प्रत्येक कामनाओं को पूरा करने वाला एक महान गुप्त व्रत है युधिष्ठिर इस व्रत के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया हे राजन प्राचीन समय में तब सतयुग था तब पर्वत राज की कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए घने वन में जाकर कठोर तपस्या की लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तब पार्वती जी ने गणेश जी का स्मरण किया गणेश जी उसी क्षण प्रकट हो गए जिसे देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर दुर्लभ और लोम तपस्या की लेकिन भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी कृपया करके आप मुझे अपने कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है उसके महत्व के बारे में बताइए पार्वती जी की बात सुनकर गणेश जी उस कष्ट नाशक शुभदायक व्रत का वर्णन करने लगे गणेश जी ने कहा अत्यंत पुण्यकारी और समस्त कष्ट नाशक व्रत को कीजिए इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की रात में चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए उस दिन मन में संकल्प लेना चाहिए कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी अतः निरा निराहार रहूंगी पहले गणेश पूजन करके ही भोजन करूंगी इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करना चाहिए फिर मेरे पूजन करने के बाद में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी तांबा मिट्टी के कलश में जल भर कर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए मूर्ति को कलश पर पहले एक वस्त्र बिछाएं उसके ऊपर अष्ट दल कमल बनाए की आकृति बनाए और फिर उस मूर्ति को वहां पर स्थापित कर दें और इसके बाद सोडस उपचार विधि से पूजन करें प्रतिमा का ध्यान करते हुए कहें हे लंबोदर हे चार भुजा वाले हे तीन नेत्र वाले लाल रंग वाले हे नील वर्ण वाले शोभा के भंडारा प्रसन्न मुख वाले गणेश जी मैं आपका ध्यान करता हूँ या करती हूँ हे गजानन मैं आपका आवाहन करती हूँ हे विघ्नराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ और यह आसन मैं आपको दे रही हूँ कृपया इसे ग्रहण करें इसके बाद कहें हे लंबोदर यह आपके लिए पाद्य है यह हे शंकर सुमन यह आपके लिए अर्ध है हे मापुत्र यह आपके लिए स्नानार्थ जल है हे वक्रतुंड यह आपके लिए आचमनीय जल है हे शूर्प कर्ण यह आपके लिए वस्त्र है हे सुशोभित यह आपके लिए यजोपवीत है हे गणेश्वर आपके लिए यह रोली चंदन है हे विघ्न विनाशक यह आपके लिए फूल है हे विकट यह आपके लिए धोबत्ती है हे वामन यह आपके लिए दीपक है हे सर्वदेव यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है हे देव आपके निमित्त यह फल है हे विघ्नकर्ता आपके निमित्त मेरा प्रणाम है प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें इस तरह से शोल्डर उपचार करके भगवान को भोग लगाएं, हे देवी हे देवी देसी घी से पंद्रह लड्डू बनाएं सबसे पहले भगवान को लड्डू अर्पित करें फिर उसमें से पांच लड्डू ब्राह्मणों को दे दें अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें फिर चंद्रोदय दे पर चंद्रमा को अर्घ दें अर्घ देते समय यह कहें कि हे देवी तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो हे गणेश जी के प्रिय हो हे चतुर्थी हमारे अर्घ को ग्रहण करो तुम्हें मेरा प्रणाम है इसके बाद फिर पांच लड्डू का खुद भोजन करें फिर कहें हे लंबोदर आप हर व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं आपको मेरा प्रणाम है हे समस्त विघ्नों के नासक आप मेरी कामनाओं को पूर्ण करें तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें हे दिव्य राज आपको नमस्कार है आप साक्षात स्वरूप हैं। गणेश की जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं हम आपको नमस्कार करते हैं इस प्रकार ब्राह्मणों को भोजन करा के गणेश जी से प्रार्थना करें प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन कर दें और अपने गुरु को अन्य वस्त्र आदि दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दें विसर्जन करते हुए कहें कि देवों में श्रेष्ठ गणेश जी आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और इस व्रत पूजन का फल हमें दीजिए इस हे सुमुखी इस तरह से गणेश चतुर्थी की व्रत करना चाहिए यह व्रत जन्म भर या 21 वर्ष तक किया जा सकता है यदि इतना करना ही संभव न हो तो एक वर्ष तक इस व्रत को करें यदि तब भी संभव न हो तो वर्ष के एक मास को तो अवश्य ही व्रत करें सावन चतुर्थी को व्रत का उद्यापन कर सकते हैं इस तरह से इस कथा को सुने कथा को सुनने से पहले आप अपने हाथ में हाँ दाहिने हाथ की गधेरी में फूल चावल और थोड़ा सा जल अवश्य रख लें जब इस पूरे कथा को सुन लें तो उस अच्छत फूल को भगवान गणेश जी के सामने समर्पित कर दें जो भी आपके पास में भोग की वस्तु हो धूप दीप नैवेद्य सब दिखाएं गणेश जी की प्रतिमा को पूजा करें उसके बाद में आरती करें गणेश जी की स्तुति करें और स्तुति करने के बाद में अपने बड़े भाव से गणेश जी से प्रार्थना करें गणेश जी को भोग में लड्डू अवश्य लगाएं मोदक हो तो मोदक लगाएं गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है दुर्वा अवश्य चढ़ाए ग्यारह ये इक्कीस दुर्वा के एक दुर्वा का एक गांठ बना लें और बना करके भगवान गणेश जी के सामने रख दें और गणेश जी को पीला सिंदूर अवश्य लगाए जब आप चंद्रमा को अर्घ दें तो जिस लोटे से चंद्रमा को अर्घ दें उस जल में थोड़ा सा दूध कच्चा दूध थोड़ा सा डाल लें मीठे में कुछ भी डालें चाहे बतासा डालें चाहे शक्कर डालें चाहे को, आ, कोई सफेद बर्फी वगैरह मीठा आपके पास हो तो वो डालें, इस तरह से डाल करके आ, चंद्रमा को अर्घ दें इससे चंद्र देवता की भी कृपा आपको प्राप्त होगी इस तरह से भगवान गणेश जी की बड़े ही मन से भाव से पूजा करें गणेश जी की स्तुति अवश्य करें जो गणेश जी का द्वादश नाम है प्रणम शिषा देवी गौरी पुत्र विनायक भक्तावासम स्मरण थे काम सिद्ध अर्थे प्रथम वक्रतुणम च एक दंतम तेतीय कृष्ण गजवक चतुर्थक लंबोद्रम पंचम चम विमे चप्तम विघ्न राजम धूम्रवर्ण तथा अष्टम नवम भाला चंद्रम दसम तू विनायक एकादश गणपति द्वादश तु गजाननम द्वादश शेतन न च विघ्नमय तस् सर्व सिद्ध क्रम प्रभु इस श्लोक को इस स्तुति को यह गणेश जी के बारह नाम हैं इसे अवश्य पढ़ें इन बारह नामों के पढ़ने से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और धन संपत्ति आयु व्यापार में हानि हो रहा है तो वह भी दूर होता है और सारे विघ्न को भगवान गणेश जी दूर करते हैं और सारे कार्य बनने होने बनने लगते हैं सबका मंगल हो इस स्तुति को जरूर पढ़ें कुङ्कुमचन्दनलिपितलिङ्गम् अष्टदरीद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणे मामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणे मामि सदा शिवलिङ्गं श्रीशिवाय नमस्तोभ्यम् एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी उसके पति का स्वर्गवास हो गया था उसका अब कोई आश्रय दाता नहीं था इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी भिक्षाटन से वह स्वयं वह पुत्र का पेट पालती थी एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला ब्राह्मणी दया उसे अपने घर ले आए वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था इसलिए वह राजकुमार इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मण के घर में रहने लगा तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने उस राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद के बाद माता पिता को भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए उन्होंने जैसा कहा वैसा ही अंशुमती के माता पिता ने किया ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी उस व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त किया और आनंद पूर्वक रहने लगा राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया ब्राह्मण के प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र दोनों ही के दिन फिरे वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं भोलेनाथ के अभिषेक रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है कोई भी लड़का या लड़की अपने शादी विवाह में जो भी अर्चने आ रही हैं अथवा संतान प्राप्ति की इच्छा से इस दिन पंच गव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी जी की प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिव जी पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोकामना की पूर्ति करते हैं हर हर महादेव ओम नमः शिवाय भगवान गणेश की जय हो भोले बाबा की जय हो माता पार्वती की जय हो हर हर महादेव मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें कृपया चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद